प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हमारी सीरीज चल रही है, इसी में आज सबसे अहम तरीन एक टॉपिक लेकर आया हूं, इंश्योरेंस से रिलेटेड। इंश्योरेंस का तो हमें मालूम है, किसी भी डैमेज से बचाने के लिए कोई भी ऐसा खुदा ना खासा हादसा हो जाता है, कम अज़ कम हमारी प्रोडक्ट तो महफूज रहे, हम तो इसी मकसद के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं। अब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इंश्योरेंस कैसे की जाती है, क्या ये प्रोडक्ट खरीदने से पहले होती है या प्रोडक्ट लेने के बाद होती है, या प्रोडक्ट को शिपिंग कंपनी से लाने के लिए जब हम रब्ता करते हैं तो उसकी स्वाबदीद पे होता है कि वो इंश्योरेंस हमें मुहैया करती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि इंश्योरेंस कैसे की जाती है, और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि चाइना से या किसी भी कंट्री से माल छोटा हो या बड़ा लेकर आना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जानना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, कारोबार में कोई मसला आ रहा है या कारोबार को नया करना चाह रहे हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि कोई बात ना रह जाए। मुझे अक्सर आप लोगों के मैसेजेस मिल रहे होते हैं तो मैं उसमें हैरान होता हूँ कि मैंने अक्सर वीडियोज में आपको तफसील से बताया हुआ है, वही सवाल आप मुझे ईमेल में जाके पूछ रहे होते हैं। अगर आप वीडियो को प्रॉपरली देखें तो आपको सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी, बल्कि आप मुझे बता रहे होंगे जी हमने यहाँ किया है और ऐसे किया और ऐसे हुआ है, ये बहुत बेहतर होगा। नए आए हैं चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि डेली अपडेट से जुड़ते रहें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, प्रोडक्ट की सेल एंड परचेज हो रही होती है, इसमें जो खसूसी तौर पर वर्ड इंश्योरेंस के लिए यूज़ होता है उसको या तो कार्गो इंश्योरेंस कहा जाता है या मैरियन इंश्योरेंस कहा जाता है। इसके लिए आम असलाह जो हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करने जा रहे होते हैं कि जी मैरियन नोट का एक कवरिंग नोट हमें बना दें, जो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको चंद पैसे लेके बना के दे देती है। अब ये कवरिंग नोट जो है किस तरह बनता है, इसका जो तरीक़ेकार इस तरह है कि जब आप एक सप्लायर के साथ प्रोडक्ट लेने पे एग्री हो जाते हैं, वो आपको परफॉर्मा इनवाइस या कमर्शियल इनवाइस प्रोवाइड कर देता है और साथ पैकिंग लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। ये दो चीज़ें आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट करके उसको प्रोवाइड करेंगे। तो लोग जो फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहे हैं और वाया सी मंगवाना चाह रहे हैं, उनको LC ओपन करवानी है या DP या DA के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो बैंक उनसे सबसे पहले यही कहेगा कि परफॉर्मा इनवाइस पैकिंग लिस्ट के साथ आप हमें मैरियन नोट भी प्रोवाइड करें। मैरियन नोट अगर आप फर्स्ट टाइम किसी इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता करने पे बनवा रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी मुकम्मल डिटेल लेगा, मुकम्मल डिटेल लेने के बाद वो आपको फर्स्ट टाइम मैरियन नोट इशू कर देगा अपने चंद पैसे लेने के बाद। लेकिन शर्त है कि आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं और उसको प्रॉपरली चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुकम्मल डिटेल होनी चाहिए कि प्रोडक्ट आया कि आपकी CIF है या FOB है, प्राइस प्रॉपर मेंशन्ड है, देन जाके आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव होते हैं या रिजेक्ट होते हैं अगर कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम आ। इसी तरह बाय एयर चीज मंगवाते हैं तो उसके लिए फ्रेट फॉरवर्डर आपको इंश्योरेंस डाल हर चीज का रेट है, उसके लिए आपको इंश्योरेंस पैसे नहीं देने। मेरे पास कुछ ऐसे किस्से आए हैं जिसमें लोगों ने ये बात बताई है कि जी हमें उसने ये चार्जेस बता दिए थे, उसमें हमें जी टैक्सेस ड्यूटीज अलग देने पड़ गए, हमें ये चार्जेस अलग देने पड़ गए, हमें इंश्योरेंस के भी देने पड़ गए। तो ये मेरी बड़ी ताज्जुब की बात है, बाई एयर कंसाइनमेंट कोई भी हो, जो 1 kg की भी हो, 10 kg, 20 kg, 100 kg तक की भी हो, इंश्योरेंस के पैसे बीच में ऐड होते हैं। वाया सी में भी इसी तरह होता है, जब आप LC ओपन करवा लेते हैं ईच एंड एवरीथिंग हर चार्जेस उसके अंदर शामिल होते हैं। तो आप ये जहन में बात बिठा लें, एक मैरियन नोट आपको बनवाना है, ये कोई मुश्किल नहीं है। और इंश्योरेंस आप खुद भी करवाना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी शिपिंग कंपनी के थ्रू या फ्रेट फॉरवर्डर जो आपके तमाम क्लियरेंस के मामलात को देखेगा उसके थ्रू भी करवाना चाहें तो हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर इंश्योरेंस वहां होती है जहां आपकी कमर्शियल इनवाइस इशू हुई होती है, यानी कि कमर्शियल इनवाइस या परफॉर्मा इनवाइस आपके नाम पे इशू है तो वो फिर आप ही उसकी इंश्योरेंस करवाएंगे और बैंक की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। एक्सपोर्ट जहां से हो रही है ये जिम्मेदारी उनकी एक्सपोर्टर की होगी उस कंट्री के मुताबिक, यानी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जहां का इशू होगा। मुझसे बात करनी हो नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, एनी टाइम यू कैन ईमेल मी, फ्री टाइम में आपको जरूर जवाब दूंगा। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।